हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम तीखे चटपटे मसालेदार दही वाले आलू। फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इस तरह से दही वाले आलू खा लिए ना, तो बार बार यही इसी तरह से आप सब्जी बना के खाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम चटपटे बनते हैं, आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप एक बार इस तरह से दही वाले आलू ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए झटपट से सब्जी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 500 ग्राम आलू। आलू को मैंने अच्छे से कुकर में दो सीटी में बॉईल कर लिया है। देखिए, आलू अच्छे से बॉईल्ड हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज के आलू लिए हैं, इनको हम गुल्ली आलू बोलते हैं। जब भी आप मंडी में जा रहे हैं तो आप उनसे बोल दीजिए कि हमें सबसे छोटे वाले गुल्ली आलू चाहिए, तो वो आपको आराम से दे देंगे। अगर आपके पास सबसे छोटे वाले आलू नहीं है तो आप इस तरह से जो मीडियम साइज़ के आलू आते हैं उनको भी ले सकते हैं, बट इनको हम इस तरह से बीच में से कट करके यूज करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलू हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो जो भी बड़ा आलू है आपके पास, बहुत ज़्यादा बड़ा है तो चार टुकड़े भी कर सकते हैं, मीडियम है तो दो कर लीजिए, छोटा है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो एक तिहाई चम्मच से भी कम मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हल्दी का पाउडर। बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर छिड़क रहे हैं, बस सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा छिड़क रहे हैं बस इसमें। थोड़ा सा ही हम इसमें डाल रहे हैं नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर देंगे, एक बढ़िया सी मसाले की कोटिंग कर लेंगे सारे आलूओं पे। इस तरह से क्या होता है कि जब हम आलूओं से इस तरह से कोटिंग करके रख देते हैं तो अच्छे से कोटिंग भी हो जाती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और सब्जी का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने आलूओं पर अच्छे से कोटिंग कर दी है मसालों की। तो इनको हम साइड से रख देते हैं जब तक हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। तो हम लेंगे इस तरह का एक बाउल, और मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब दही। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच के करीब दही। जितना भी आपको दही लेना है आप डाल सकते हैं। अगर आपका फ्रेश दही है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा खट्टा दही है तो आप थोड़ा सा कम ही डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिए का पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये डालना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ 1/2 चम्मच जीरे का पाउडर डाल दिया है। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड, गरम मसाले से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम हलवाइयों के जैसे जैसे सब्जी बनाती है, एकदम खुशबूदार सब्जी बन के तैयार होती है। तो अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहे तो मथनी से भी इसको मत सकते हैं, क्योंकि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अच्छे से आप इसको फेंट के तैयार कर लें। तो इस तरह से देखिए, अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया है, इनको हम साइड से रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम रखेंगे गैस ऑन करके कढ़ाई। मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों के ऑयल में सब्जी को बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी अक्सर कर सरसों के तेल में बनती हैं, बहुत ही टेस्टी भी बनती हैं, क्योंकि सरसों का ऑयल खाने पे भी अच्छा होता है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो जो मैंने यहाँ पर अभी मसालों को कोट करके रखा है आलुओं पर, उनको हम डाल देंगे एक साथ। अब हमें आलूओं को हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए फ्राई करना है, क्योंकि आलू बॉइल्ड हैं तो एकदम जोर लगा के हम इनको चलाएंगे तो आलू टूट भी सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से ही हमें ऑयल में आलूओं को मिक्स करना है, और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आलूओं का कलर भी चेंज हो जाता है, एकदम बढ़िया आ जाता है, और आलूओं पर कोटिंग की वजह से सब्जी का टेस्ट भी इससे बढ़ जाता है। आप चाहते हैं प्रोसेस करें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आलू भी आप सब्जी में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है, इस पर एक बढ़िया सी कोटिंग आ चुकी है हल्की हल्की सी, और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब हम आलूओं को इसमें से निकाल देते हैं। तो सारे आलूओं को निकाल दिया है, तो इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ फिर से यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को फिर से हम गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1 पिंच हम इसमें डालेंगे हींग। हींग से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और दही वाले आलू में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें। तो देखिए, जीरे को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले ली है 1 बड़े साइज की प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है, आप चाहे तो पतला पतला लंबा लंबा चॉप करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि उस तरह से भी प्याज दही वाले आलू बहुत ही अच्छी लगती है, देखने में भी खाने में भी। तो बारीक चॉप करके या लंबा लंबा कैसा भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज की हरी मिर्च, जिसका मैंने हल्के फुल्के बीज इसमें से निकाल दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, और बीज में से चीरा लगा के मैंने इस तरह से डाल दिया है। साथ ही साथ 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और प्याज को अदरक लहसुन को अच्छे से एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा, क्योंकि प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करना है, तब ये प्याज की वजह से सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। तो गैस का जो फ्लेम है उसको हम मीडियम रखेंगे, और बीच बीच में हम इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई ना करें, नहीं तो प्याज जल जाएगी, टेस्ट भी खराब हो सकता है सब्जी का।
तो देखिए इस तरह से प्याज जो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, एकदम बढ़िया गोल्डन कलर भी आ गया है। तो बहुत ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको जलाएंगे नहीं, बस इतना ही हमें समय इसको फ्राई करना है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, या तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए या फिर गैस का जो फ्लेम है उसको एकदम स्लो कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसमें डाल रहे हैं दही वाले मसाले। तो मैंने यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर रखा है, एकदम बिल्कुल स्लो, क्योंकि ये दही जो होता है इसका फटने का डर रहता है, और जैसे ही हम इसमें दही और मसाले डालें तो इसको झटपट से हमें इसको चलाना है। ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी आप चूक गए तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब हो सकती है। इसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गैस का फ्लेम हाई कर लें आप इस टाइम पे, जिससे कि इसमें बढ़िया से जल्दी से बॉयल आ जाए। तो इसी तरह से हमें इसको लगातार चलाते रहना है। मैंने अभी इसमें नमक का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि नमक की वजह से दही में अच्छे से बॉयल नहीं आ पाता है, वो फट जाता है दही, तो दही की सब्ज़ी में हमेशा नमक बाद में ही डाला जाता है। तो ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है, अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ना दिखने लगे और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे और दही भी थोड़ा सा और भी ज़्यादा पक जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पका लिया है, अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल दिखने लगा है। अब हम क्या करेंगे, जिस कटोरी से मैंने अभी मसाले डाले हैं इसमें मसाला भी थोड़ा सा बहुत चिपका हुआ है दही के साथ ही, तो इसी कटोरी से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी। आपको जितना पतला थिक ये आलू बनाने हैं उस हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा पानी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कटोरी पानी इसमें डाल दिया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पतले आलू बनाने हैं तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है, वो पानी एक बढ़िया सा बॉयल आने देते हैं, गैस का फ्लेम मैंने हाई कर रखा है। अब हमें इसको चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसको फटने का कोई भी डर नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से एक बढ़िया सा बॉयल भी आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर जो आलूओं को फ्राई करके रखा है उनको भी मैं डाल देती हूँ इसमें। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही झटपट से आलू बनके तैयार हो जाते हैं, आप एक बार से बना के ज़रूर देखना, बहुत ही तीखे चटपटे हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सबसे लास्ट में 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक, मेरा छोटा चम्मच है इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ नमक, आपने टेस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर दिया है। तो अच्छे से आलू को मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आलू को हमें पकाना है बढ़िया से कवर होने तक, कवर करके, जिससे कि जो आलू है अच्छे से पक जाएँ। तो 2 से 3 मिनट की बस हमें इनको पकाना है, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से आलू में अब्जॉर्ब हो जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मैंने इनको पकाया है, क्योंकि अब हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाले भी हमने पका लिए हैं, आलू भी बॉयल्ड हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी दिखने लगा है ऊपर, यानी कि हमारे आलू बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें सबसे लास्ट में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर दोनों चीज़ों से अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप इसको पूरी तरह से स्किप कर दीजिए, आप अकेले कसूरी मेथी या अकेले धनिया की पत्तियों से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, बट कसूरी की मेथी से इसमें थोड़ी सी अच्छी खुशबू आ जाती है, एकदम हलवाइयों के जैसा टेस्ट भी हो जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, घर में एकदम महकने लगता है जिसमें डाला है। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो बढ़िया से बन चुकी है सारी सब्जी। अब हम क्या करेंगे, गैस को हम ऑफ कर देते हैं और 2 मिनट के लिए हम सब्जी को इसी तरह से छोड़ देते हैं। इस तरह से रखने से क्या होता है कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारे जो ऑयल है मसालों की वजह से एकदम बढ़िया से ऊपर आ जाता है, इसका जो कलर है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो 2 मिनट रखने के बाद ही आप इसको सर्व करें। तो आप देख सकते हैं देखने में आलू कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इनको एक बाउल में सर्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आया है, बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप एक बार अपने घर पर इस तरह से सब्जियाँ जरूर ट्राई करके देखिएगा, रोटी पूरी पराठे चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, सभी के साथ ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।